तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने शंघाई तआवुन तंजीम इजलास का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया। डॉन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि कॉन्फ्रेंस से खित्ते में नई माशी और सियासी पेशरफ्त का आगाज़ होगा। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, मजीद बताइएगा, मजीद क्या कहना था तर्जुमान दफ्तर खारजा का? जी, डॉन न्यूज़ से मैं हूँ अब्दुल्ला मोहम्मद। और चूँकि पाकिस्तान इस वक्त सफारती महाज पर इंतहाई तवज्जो का मरकज बना हुआ है और शंघाई तआवुन तंजीम का अहम इजलास पाकिस्तान में होना जा रहा है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच। वो और उनकी वजारत और इसके साथ साथ जो तर्जुमान दफ्तर खारजा का दफ्तर है वो मुसलसल काविशों में मसरूफ़ है कि शंघाई तआवुन तंजीम के इस इजलास को हर मुमकिन कामयाब बनाया जा सके। थैंक यू सो मच मुमताज़। शंघाई तआवुन तंजीम का अहम इजलास पाकिस्तान में, रीजन में मसाइल भी है, इजलास होना पाकिस्तान के अपने भी मसाइल है, लेकिन कितनी बड़ी कामयाबी है? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का चेयर है और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हमें एक साल हो गया इसको चेयरमैनशिप संभाले, ये उसका कल्मिनेशन हो रही है और पाकिस्तान को बहुत खुशी है कि हमने एक कॉन्फ्रेंस उस तरह से हमने प्रेजेंट की है जिसका आप कल एलानिया भी देखेंगे, जिससे पता चलेगा कि किस तरह पाकिस्तान ने अपनी लीडरशिप दिखाते हुए एक कंसेंसस डेवलप किया एससीओ के ममालिक में और एक अच्छा एलानिया बाहर आया। इसी तरह से जो हमने यहाँ पर होस्ट किया है लीडर्स को, फॉरेन मिनिस्टर्स को और जो सीनियर लोग यहाँ पर आए हैं, उससे ये भी एक मैसेज जाता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस करने का की सलाहियत रखता है और हम कामयाब कॉन्फ्रेंसिस करा सकते हैं और अगले आगे भी जो इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंसिस आएंगी पाकिस्तान उसको बड़ा सक्सेसफुली होस्ट करेगा। जी बिल्कुल, मुमताज़ ज़हरा बलोच तर्जुमान दफ्तर खारजा के तासुरात आपने सुने। उन्होंने कहा कि शंघाई तआवुन तंजीम का अहम इजलास जो है वो पाकिस्तान में उसका इनेकाद हो रहा है, जो दुनिया भर के लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान इस तरह के कॉन्फ्रेंसिस को कामयाबी के साथ इसका इनेकाद कर सकता है। जी।